इंग्लैंड की पिचेस को देखते हुए 300 रन भी कम लग रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद का कहना है टॉस जीतकर फील्डिंग करना कप्तानों की तरजीह होगा। वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर के आने से कौमी टीम की बॉलिंग मजबूत होगी। अपनी हार को भुलाकर वर्ल्ड कप के सफर का आगाज करने जा रहे हैं। प्लेइंग 11 का ऐलान आज टॉस से पहले किया जाएगा। जासूसी और हसास मालूमात अफशा करने का जुर्म साबित, दो आला फौजी अफसरान और एक सिविलियन को कड़ी सजाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत सुनाई गई। तीनों कौमी सलामती के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया गया। एहतसाब वो जो नजर आए, जो कहा गया वो कर दिखाया। फौज के अफसर चाहे किसी भी रैंक के हों, एहतसाब के दायरे में यकसा शामिल। गुज़श्ता 2 साल में 400 फौजी अफसरान को मुख्तलिफ सजाएं दी गई। उम्र कैद, कैदे बामुशक्कत और बरतरफी शामिल। असद दुरानी का एहतसाब भी इसी पॉलिसी के तहत किया गया। पाक फौज आइंदा भी यकसा एहतसाब की पॉलिसी पर सख्ती से अमल के लिए पुरअज़्म। करकमर चेक पोस्ट पर हमले का दूसरा मास्टरमाइंड भी कानून की गिरफ्त में आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहसिन दावड़ को शुमाली वजीरिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत बन्नू ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। सीटीडी ने मुलजिम को पेशावर मुंतकिल कर दिया। दावड़ हमले के बाद से रुपोश था। हमले से एक जवान शहीद, 4 जख्मी हुए। मोहसिन दावड़ ने फौज और मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाया। फौज पर हमला नाकाबले मुआफी है। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ जई कहते हैं मोहसिन दावड़ गिरफ्तार हो चुके, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पख्तूनों को फिर खून रेजी में धकेलने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में बैरूनी एजेंडा नहीं चलने देंगे। कबायली आवाम की बहाली और नुकसान का अजाला शुरू कर दिया। क्वेटा में पुलिस और एफसी की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बनाई। खुदकुश बमबार को गोली मारकर हला कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमलावर के जिस्म पर बंदी जैकेट खोल दी। दहशतगर्द ने खातून का लिबास पहन रखा था। मेकानगी रोड पर मशकूक शख्स पुलिस के रोकने पर रुका नहीं, दस्ती बम से भी हमला किया। एक पुलिस एहलकार जख्मी। जस्टिस काजी फायज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सदारती रेफरेंस, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जून को होगी। अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। सदर ने दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस 2 दिन पहले भिजवाया था। रेफरेंस में जजेस के खिलाफ असासे छुपाने का इल्जाम है। हुकूमत को जज की इज्जत से खेलने नहीं देंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंजानी का कहना है कि हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ कोई इकदाम किया तो अदलिया का साथ देंगे। जस्टिस फाइज ईसा की जात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और हुब्बुल वतनी पर कोई शुबा नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं अदलिया पर हुकूमत का हमला कबूल नहीं करेंगे। अदलिया पर हमला करने वाली जमात अब अदलिया के वकार की बात कर रही है। फरदौस आशिक अवान का कहना है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एजेंडा सीक्रेसी, कार्रवाई इन कैमरा होती है। काउंसिल की हिदायत देने तक मीडिया को कुछ नहीं बता सकते। वजीर कानून दोनों रेफरेंसेस पर अपडेट करेंगे। वजीर आजम के हुक्म पर मलेशिया से 320 कैदी वापस आ गए, यही तब्दीली है। बाईस करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 1% टैक्स देते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम खसूसी पैगाम, कहा 30 जून तक बेनामी अकाउंट्स और जायदादें जाहिर कर दें। टैक्स ना मिलने से अस्पताल बन रहे हैं, ना तरक्याती काम हो रहा है। असासे जाहिर करने की स्कीम मुल्क को मुश्किल से निकाल देगी।
असासे डिक्लेयर होने पर कोई तंग नहीं करेगा। वजीर आजम का सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा, इमरान खान मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्मा रवाना। वजीर आजम ने मस्जिद नबवी में रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। इफ्तार भी मस्जिद नबवी में ही किया। वजीर आजम आज ओआईसी सरबराह इजलास में शरीक होंगे। जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात में पता चला उनकी तबीयत कई दिन से खराब है। मरीम नवाज का कहना है चंद दिन में मियां साहब को 3 बार एंजाइना का हमला भी हो चुका। उधर शहबाज गिल का कहना है कि मियां साहब की तबीयत ठीक है, मरीम साहिबा झूठ ना बोले। वजीर आजम के खिलाफ बदजुबानी तर्क ना की, नवाज शरीफ को जेल में दस्तियाब सहूलतों का आवाम को बता देंगे। गवर्नर सिंह ने पुलिस एक्ट तरमीमी बिल एतराजात लगाकर वापस कर दिया। ऑपोजिशन और आईजी ने एक्ट पर तहफुजात जाहिर किए थे। इमरान इस्माइल का कहना है कि सिंध हुकूमत जो कानून सामने लाई उसमें आईजी को डाकिया जाहिर किया गया। उधर वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है गवर्नर तौसीक नहीं करेंगे तो बिल काबीना को वापस आ जाएगा, फिर एतराजात का जायजा लेंगे। पीआईए इंजीनियर्स का बड़ा कारनामा, 1.5 साल से नाकारा खड़े तैयारे को काबले परवाज बना लिया। बोइंग 777 BHV की मुरम्मत के बाद आजमाइशी परवाज कामयाब रही। सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक की कारकुनों को मुबारकबाद। पेशावर में जिला इंतजामिया और खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी की कार्रवाई, इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान मनफी प्रोपेगेंडा करने पर मजीद 3 स्कूल सील कर दिए। इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर सील करदा स्कूलों की तादाद 10 हो गई। सूरज आज भी कहर बरसाएगा, मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सखर, जैकबाबाद और मुंजो दौड़ों में पड़ी, जहां पारा 49 तक चढ़ गया। लाड़काना, रोहड़ी, बहावल नगर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48, लाहौर 44, इस्लामाबाद 40 और कराची में 36 रिकॉर्ड किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे अमान अली खान भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाजरीन, पाक फौज के कानून की नजर में ताकतवर और कमजोर सब बराबर, मुकम्मल मेरिट, मुकम्मल इंसाफ, मुकम्मल एहतसाब। आर्मी चीफ ने 2 फौजी और 1 सिविल अफसर की सजाओं की तौसीक कर दी। पाक फौज के रिटायर्ड ब्रिगेडियर और डॉक्टर को सजाए मौत और 1 लेफ्टिनेंट जनरल को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। किसको क्या सजा मिली और क्यों मिली, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब का कड़ा अमल, जो कहा कर दिखाया। फौज के अफसरान चाहे किसी भी रैंक के हों, एहतसाब के दायरे में यकसां शामिल। 2 फौजी और 1 सिविलियन अफसर पर हसास मालूमात अफशा करने और जासूसी का इल्जाम साबित हो गया। तीनों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। मुकदमात फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत चलाए गए। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान कौमी सलामती के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। जासूसी और हसास मालूमात अफशा करने का इल्जाम साबित होने पर सजा सुना दी गई। आर्मी चीफ ने 3 अफसरों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सजा पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जावेद इकबाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत का हुक्म दिया गया। और नाजरीन, बड़ी खबर, आर्मी चीफ की तरफ से फौजी अफसरान की सजाओं में तौसीक। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ये कहते हैं सजाओं में तौसीक अफवाज पाकिस्तान के बेला इम्तियाज हिसाब के निजाम का मजहर है। फौजी अफसरान को सुनाई गई सजाओं का ताल्लुक 3 मुख्तलिफ केसेस से है। मजीद इसी पर बात करेंगे। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा DGISPR की जानिब से मजीद क्या कहा गया।
جی بالکل، ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی طرف سے فوجی افسران کی جو سزائیں ان میں توثیق کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ افواج پاکستان بلا امتیاز احتساب کے نظام کا مظہر ہے. افسران کو سنائی گئی سزاؤں کا تعلق جو ہے وہ تین مختلف کیسز سے ہے. افسران کو ان کے جرائم پر سخت سے سخت سزائیں دی گئی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کپور کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کمیشن یا جاسوسی سے حاصل رقم جو ہے وہ کرپشن ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ غلط طریقے سے جو بھی کمائی گئی رقم ہے اس پر جو ہے وہ افسران کو سزائیں دی گئی ہیں. یہ افواج پاکستان میں ایک احتساب کا کڑا عمل ہے جو کہ بنیادی طور پر کافی عرصے سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے. بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ افسران کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی ہیں. اور آج جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جن تین اہم جو افسران ہیں ان کی سزاؤں کی توثیق کی ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پاک آرمی کا جو نظام ہے افواج پاکستان تینوں مسلح افواج کا جو نظام ہے وہ کڑے احتساب کا عمل ہے اور اس کڑے احتساب میں ہر فرد جو ہے وہ احتساب اس کا ہو سکتا ہے اور افواج پاکستان میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. کوئی شخص بھی جو ہے وہ اگر غلط طریقے سے رقم کماتا ہے کرپشن کرتا ہے کسی حوالے سے منی لانڈرنگ کمیشن یا جاسوسی سے حاصل کردہ رقم جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے اس طرف جاتا ہے غلط رستے پر جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے لیے کڑے احتساب کا عمل موجود ہے. یہ واضح کر دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے اس بیان میں اور اسی کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے جو تین عام افسران کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افسر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس میں احتساب کا عمل جو ہے وہ یکساں ہے اور پاک فوج نے یہ کر کے دکھایا ہے. پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں اس بات پر کڑی نگرانی رکھتی ہیں کہ ان کے افسران جو ہیں وہ بہت شکریہ آپ کا فیصل رضا آپ ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے.